हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। मैं पुष्पेंद्र धाकड़ आज आपको बताने वाला हूँ कि यूपीएससी ने सीटीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें जुलाई 2019 में इसका पेपर होना है। जी हाँ, तो सीटीईटी अब क्या होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो आपका यूपीएससी कंडक्ट करता है, और ये इस साल आपका 2019 में ये आपका 7 जुलाई को होगा, संडे के दिन ये कंडक्ट होगा 97 सिटीज़ में, आपका 20 लैंग्वेजेस में। तो आइए हम इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीटीईटी एग्ज़ाम की डेट्स का। सीटीईटी का जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है वो 4 फरवरी को रिलीज़ हुआ है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है इसकी 5 फरवरी से, और इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 5 मार्च 2019 है। 5 मार्च इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका 7 जुलाई 2019 को संडे के दिन होगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो अगस्त 2019 में आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम शेड्यूल पे। इसका जो पेपर होगा, पेपर फर्स्ट होगा, उसका टाइमिंग है 9:30 से 12:30 तक है, ड्यूरेशन 2.5 घंटे है। और आपका जो पेपर टू है उसका जो टाइमिंग है 2:00 से 2:30 PM तक है, जिसका भी टाइमिंग 2.5 घंटे है। अब इसका जो प्रोसेस है हम इसमें आगे देखते हैं, इसका फीस कितनी लगेगी आपको फॉर्म फिल करने में। तो आपको जो कैटेगरी वाइज मैं बता देता हूँ, जनरल और ओबीसी हैं, अगर जो केवल पेपर एक या पेपर दो के लिए अप्लाई करते हैं किसी एक पेपर के लिए, तो 700 रुपये लगेंगे, और अगर आपके दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए तो 1200 रुपये लगेंगे। एससी एसटी या फिर जो भी बाकी जितनी भी कैटेगरी होते हैं सभी में पेपर, अगर कोई एक पेपर के लिए अप्लाई करेगा चाहे वो फर्स्ट या सेकंड के लिए, तो आपको 350 रुपये लगेंगे, अगर दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 600 रुपये लगेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इसके एग्ज़ाम के पैटर्न पे। तो आपका जो पेपर होगा दो तरीके से, दो होगा पेपर वन एंड पेपर टू। तो जो आपका पेपर वन होगा उसमें जो कैंडिडेट को जो टीचर के लिए फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए होगा, और जो सेकेंड जो आपका होगा वो आपका 6 to 8 तक के टीचर के लिए होगा। ठीक है, तो आपका जो सीटीईटी के पेपर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा वो देखते हैं। जो आपका सबसे पहले जो सब्जेक्ट आता है वो लैंग्वेज का आएगा, जो कंपलसरी लैंग्वेज आपकी फर्स्ट और कंपलसरी लैंग्वेज सेकंड। जैसे लैंग्वेज क्या हो सकती है, वो आपकी हिंदी इंग्लिश या अदर जो कन्नड़ उर्दू जो भी लैंग्वेज होती है वो आपकी लैंग्वेज होंगी, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। सेकेंड का भी यही है, सेकेंड लैंग्वेज का भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। फिर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट में आपका 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स। इन्वायरमेंट स्टडीज़ का आपका 30 नंबर का और 30 ही क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स भी 30 क्वेश्चन और 30 नंबर। ऐसे कुल मिला के टोटल 150 क्वेश्चन होंगे आपके, 150 क्वेश्चन और 150 आपके मार्क्स होंगे। अब हम आते हैं सीटीईटी पेपर सेकंड के एग्ज़ाम पैटर्न पे। अब इसमें सीटी में जो आपके जो सब्जेक्ट जो होंगे आपके लैंग्वेज वन, इसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स। सेकेंड जो है आपका लैंग्वेज सेकेंड का, जिसमें आपका 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में आपका 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स। अब इसके बाद आपका वही सब्जेक्ट जो रहेगा इसमें सोशल साइंस, सोशल स्टडी, सोशल साइंस टीचर, जो सोशल साइंस टीचर जो होगा उसके लिए आपका 60 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे और 60 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे मैथमेटिक्स या साइंस जो आपके साइंस के टीचर रहेंगे उनके लिए आपका 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क्स, मतलब ऐसे कुल मिलाकर टोटल आपके 150 क्वेश्चन और 150 आपके नंबर होंगे। अब इसके बाद इसकी बात करते हैं हम इसके सिलेबस पे। तो सिलेबस की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम इसकी बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट रहेगी इसका फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ के टीचर के लिए, जो कैंडिडेट जो 12th पास आउट हो और उसने आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब DELED किया हो वो इसके लिए एलिजिबल है, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिसने 12th क्लास कंप्लीट की हो साथ में जिसने कोई डिप्लोमा किया हो ग्रेजुएशन, वो इस DELED की बात हो रही है, जिसमें आपको मिनिमम 45% आपको चाहिए रहेंगे परसेंटेज। इसी के साथ आपको बैचलर जैसे BEd आपने किया है तो उसमें भी आपको मिनिमम 50% आपको नंबर चाहिए रहेंगे। इसी के साथ आपका ये फर्स्ट टू फिफ्थ का हो गया। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं आपका 6 to 8 का। तो इसमें 6 to 8 के लिए आपको ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए आपके पास, और साथ में आपको DEd होना चाहिए, DEd या आपको BEd होना चाहिए, जिसमें आपके मिनिमम 50% होना चाहिए। तो इसी के साथ आपको, या फिर आप BSc BEd BA BEd या इस तरह की कोई डिग्री हो तो इसमें भी आपको मिनिमम 50% मार्क्स आपके होना चाहिए। तो इसी के साथ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, मतलब बिना DEd BEd के आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। अब इसके बाद हम आते हैं इसके सिलेबस पे। तो सिलेबस इसका वही सिंपल है जो सीटीईटी का जो सिलेबस रहता है, वैसे तो बहुत बड़ा सिलेबस है इसका। जो मैथ साइंस के टीचर के लिए मैथ साइंस का पूरा आपको देखना पड़ेगा, लैंग्वेज सेक्शन के लिए लैंग्वेज का, मैं इसकी आपको लिंक दे दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पूरा चेक कर सकते हैं। सो गाइज, इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।